है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन जो है आपका चैप्टर थर्ड है जो अपन ने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है विद्युत रसायन, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पीछे की वीडियो में जो है सिंपल परिभाषाएं इस पार्ट को जो शुरुआत किया था, जिसमें अपन ने जो है दो प्रकार के धात्विक चालक और आपका जो है दूसरे प्रकार का चालक है उनका अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था, जिसमें विद्युत अपघटनी चालक के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक के बाद में आपका रहता है विद्युत अपघट्यों के प्रकार। तो विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका प्रकार है वो है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य। तो पहले इसकी परिभाषा फिर उस उदाहरण पे आते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य की परिभाषा आपको बताई थी, वे पदार्थ जिसको अपन जलीय विलयन में डाल देते हैं तो वो आपका क्या होते हैं, आयनों में टूट करके विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि अपघटित होकर के क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और उनमें पहला प्रकार है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहा जाएगा, तो वो आपके ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, यानी कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देखो सिंपल सी परिभाषा है, इस प्रकार के विद्युत अपघट्य जिसको अपन जलीय विलयन में डालते हैं तो वो पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, यानी कि पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, 100% या 100% वियोजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब देखो इनके उदाहरण है आपको ध्यान रखने कि इनमें जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य में कौन कौन आते हैं, तो प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या होगा आपका, इनमें प्रबल अम्ल कोमा प्रबल सार तथा प्रबल अम्ल एवं प्रबल सार से बने लवण आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं तो इनमें जितने भी आपके प्रबल अम्ल होते हैं, जितने भी आपके प्रबल क्षार होते हैं और साथ ही प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने हुए लवण है आपके इनमें आते हैं। तो देखो प्रबल अम्ल का अब उदाहरण देते हैं अपन, देखो तो उदाहरण में आपका क्या है, प्रबल अम्ल हो गया, तो प्रबल अम्ल में ले लिया जैसे मान लो HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। प्रबल क्षार में क्या हो जाएगा, NaOH हो गया, KOH हो गया। तो ये तो हो गए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी कि इस प्रकार के विद्युत अपघट्य में क्या होते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तो होते ही हैं, साथ में कौन से आपके विलयन आते हैं, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए जो लवण हैं वो भी आपके क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण कौन से होते हैं, तो उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो जैसे हो गया आपका NaCl हो गया, भाई क्या हो गया, NaCl। अब NaCl देखो किससे बनेगा, NaOH और HCl। तो देखो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण हो गया कौन, हो गया NaCl। कैसे बना, जब अपन ने NaOH प्रबल क्षार की अभिक्रिया किसके साथ में कराई, HCl के साथ में कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, NaCl प्लस H2O। तो ये किससे बना लवण हो गया, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण है वो इसके अंतर्गत आ गया। तो ये हो गया इसके साथ में NaOH हो गया, इसके साथ में NH4Cl हो गया, NH4Cl, तो और साथ ही क्या हो जाएगा, CH3COONa। यानी कि इस प्रकार से जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तो आते ही हैं, उनके साथ में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए जो लवण हैं वो भी आपके क्या आते हैं, इसके अंतर्गत है आपके आते हैं। साथ ही आपका क्या होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये भी इसमें ध्यान रखना, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार भी आते हैं,
प्रबल अम्ल एवं दुर्बल सार, और प्रबल सार एवं दुर्बल अम्ल वो भी आपका इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखो कौन कौन से हो गए, प्रबल अम्ल के सारे उदाहरण आ जाएंगे, प्रबल सार के सारे उदाहरण हो जाएंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल सार से बने हुए लवण हैं उनके उदाहरण हो गए, प्रबल आपका अम्ल और दुर्बल सार से, और प्रबल सार और दुर्बल अम्ल से। तो ये जनरली जो आप कहते हैं वो किस में हो जाएंगे, प्रबल आपके विद्युत अवघटन में इसके अंतर्गत हो गए आपके। ठीक है, अब आते हैं आपके दुर्बल विद्युत अवघटन। अगला जो प्रकार है हेडिंग डालते हैं दुर्बल विद्युत अवघटन। तो देखो दुर्बल विद्युत अवघटन की अगर मैं बात करता हूं तो दुर्बल विद्युत अवघटन में अपन है किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे, तो वे विद्युत अवघटन जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित नहीं हो पाते हैं दुर्बल विद्युत अवघटन कहलाते हैं। इनमें आपके कौन से आते हैं, तो इनकी एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, तो इनमें जितने भी आपके दुर्बल अम्ल, सारे दुर्बल सार और साथ ही आपके दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल सार से बने लवण, तो ये हो जाएंगे आपके किसमें, दुर्बल विद्युत अवघटन में। तो देखो दुर्बल विद्युत अवघटन के उदाहरण क्या हो गए कि इस प्रकार के विद्युत अवघटन जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतया वियोजित नहीं हो पाते हैं। जो पूर्णतया वियोजित हो गए वो तो क्या हो गए, प्रबल विद्युत अवघटन, और जो पूर्णतया वियोजित नहीं हो पाते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अवघटन। इनमें देखो क्या हो गए, दुर्बल अम्ल, दुर्बल सार तथा दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार से बने हुए लवण। दुर्बल अम्ल का उदाहरण जैसे क्या हो गया, H2CO3 हो गया दुर्बल अम्ल, हो गया CH3COOH दुर्बल आपका अम्ल हो गया। दुर्बल सार की बात करता हूं, NH4OH हो गया, MgOH2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका दुर्बल सार हो गए, और इनसे बने हुए जो आपके लवण हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो साथ में अपन ले लेते हैं ZnCl2। ठीक है, तो ये जनरली जो है लवणों के उदाहरण कब मिलते हैं, अम्ल और सार है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार है, इनसे बने हुए लवण हैं आपके जो है दुर्बल विद्युत अवघटन कहते हैं। तो देखो दोनों का बेसिक अंतर और एग्जांपल याद रखना है, प्रबल विद्युत अवघटन वे विद्युत अवघटन जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अवघटन इनमें प्रबल अम्ल, प्रबल सार, प्रबल अम्ल तथा प्रबल सार से बने हुए लवण, प्रबल अम्ल और दुर्बल सार से बने हुए लवण, प्रबल सार और दुर्बल अम्ल से बने हुए लवण। दुर्बल विद्युत अवघटन वे विद्युत अवघटन जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित नहीं हो पाते हैं, दुर्बल विद्युत अवघटन कहलाते हैं। इनमें दुर्बल अम्ल आता है, दुर्बल सार, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार से बना हुआ लवण, यानी कि CH3COOH की अभिक्रिया NH4OH के साथ में करा दो, तो यहां से जो आपका यौगिक बनेगा, जैसे अपन दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार से बना हुआ लवण क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल ले लिया CH3COOH, दुर्बल सार हो गया NH4OH, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, तो इनसे जो लवण बनेगा वो आपका इसके अंतर्गत आएगा। तो NH4OCH3 क्या बनेगा, CH3COOH4 अमोनियम एसीटेट, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका H2O। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो गया, दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार से बना हुआ लवण, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रबल विद्युत अवघटन और दुर्बल विद्युत अवघटन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है कि इन विद्युत अवघटनी चालक, जो अपन ने पढ़ा था विद्युत अवघटनी चालक, उसको प्रभावित करने वाले कारक, धात्विक चालक को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने दे दिया, देख लिया उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसकी प्रकृति क्या है, उस धातु का घनत्व क्या है, और ताप, ताप बढ़ाने पर चालकता वहां पर घट रही थी। यहाँ पर अपन को जो है अब विद्युत अवघटनी चालक को प्रभावित करने वाले कारक विस्तार से, जो आपका थ्योरी में दे रखा है विस्तार से आपको वहां से पढ़ना है। मैं मेन मेन जो है पॉइंट है बता देता हूं, और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो है संक्षिप्त
संक्षिप्त में बता देता हूं कि कौन कौन से कारक है। जनरली आपको वो नाम याद रखने हैं कि ये इस कारक, ये जो आपका कारक है इसको इस प्रकार से प्रभावित करता है। नाम आपको जो है पॉइंट में बता देता हूं, बाकी आपको जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्यों थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, जितना भी अपन पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको आप स्वयं तैयार कर सकते हो। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है याद रखने के लिए जो है आपका संक्षिप्त में इसको बता रहा हूं। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आप करेगा वो रहेगा आपका विद्युत अपघटनी चालक को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट जो आपका है विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें जो पहला कारक है वो है आपका ताप या टेम्परेचर, यानी कि ताप है वो विद्युत अपघटनी जो विलयन है उनकी चालकता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ताप क्या होगा कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो किसी भी विलयन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अणुओं की क्या बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, की क्या बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो अपन ने विद्युत अपघटनीय विलयन लिए, विद्युत अपघटनीय विलयन में अपन जानते हैं जैसे ही विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो किस में टूटता है, आयनों में। तो आयनों जो अपन जानते हैं ध्रुवों को ताप देने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है उसके अणुओं की, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से किसकी गति बढ़ेगी, आयनों की गति है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और आयन जितनी ज्यादा गति करेंगे विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता भी क्या हो जाएगी, उतनी ही अधिक हो जाती है। इसका मतलब फलस्वरूप चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो क्या होगा कि ताप से किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो क्या होगा ताप बढ़ाने पर, आपको जानना है कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि अपन जानते हैं ताप देने से क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिसकी वजह से आयनों की गति क्या होती है, आयनों की गति बढ़ती है। और आयनों की गति बढ़ने के फलस्वरूप क्या होती है, पूरे विद्युत अपघटनीय विलयन जो होता है उसकी चालकता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो याद रखना है सीधा ताप बढ़ाने से विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, आयनों की गति बढ़ जाती है, आयन ज्यादा गति करेंगे और आयन जितनी ज्यादा गति करेंगे चालकता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो पहला कारक हो गया आपका ताप। अब दूसरा जो कारक है वो है आपका तनुकरण। तनुकरण किसे कहा जाता है, विलयन को तनु, कि अपन जानते हैं जो भी सांद्र विलयन होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन सांद्र विलयन है वो आपका चालकत्व कम दर्शाता है। लेकिन जैसे जैसे अपन विलयन को तनु करते जाते हैं, तनु करने के लिए अपन उसमें क्या मिलाते जाते हैं, जल मिलाते जाते हैं, तो अपन जैसे जैसे तनु करेंगे, तनुकरण करने से चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विद्युत अपघटनीय विलयनों के तनुकरण करने पर चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि विद्युत अपघटनीय विलयन का तनुकरण करते हैं तो चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ती है, यानी तनुकरण करने पर विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता है बढ़ती क्यों है, तो उसका कारण क्या होगा कि जैसे जैसे अपन तनुकरण करेंगे तो जो आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयनों के मध्य आकर्षण बल, यानी कि पहले जब ये सांद्र विलयन था तो उसके अणु क्या थे, पास पास थे, इसका मतलब है उसमें आकर्षण बल अधिक था। अब जैसे ही उसका तनुकरण करेंगे तो ये जो विद्युत अपघटनीय विलयन है उसके जो आयन होते हैं इनके बीच में जो आकर्षण बल अधिक था वो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। और आकर्षण बल कम होने से वो एक दूसरे को आकर्षित उतने नहीं कर पाएंगे जितना उनको करना चाहिए, तो वो कम आकर्षित होंगे और कम आकर्षित होने के कारण ये आयन क्या करेंगे, गति करेंगे, और गति करने के कारण जो है आपकी क्या बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। तो देखो इसको इस पॉइंट से समझते हैं कि तनुकरण करने से विद्युत अपघटनीय विलयन की, या फिर सीधा याद रखना है तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, विद्युत अपघटनीय विलयन है उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि आयनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल कम हो जाता है तनुकरण करने पर, जिसके फलस्वरूप आयन गति करते हैं और क्या बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका तनुकरण। तीसरा पॉइंट है आपका जो है अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता,
तो देखो विलयन की सांद्रता, अब अगर विलयन की सांद्रता क्या है अधिक है तो चालकता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्यों अपन कहते हैं कि विलयन को अगर अपन तनु करते जाते हैं तो चालकता बढ़ती जाती है, इसका मतलब विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी ही क्या होगी कम होगी। अब सांद्र से अपन क्या बनाते हैं तनु बनाते जाएंगे तो फिर चालकता क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर क्या करना है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी चालकता उतनी ही कम होगी, चालकता क्या होगी उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्यों आयनों के बीच में जो है आकर्षण बल अधिक रहेगा जिसके फलस्वरूप वो गति नहीं कर पाते हैं या कम गति कर पाते हैं तो चालकता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब अगर मान लो इसका आयनन अपन कर देते हैं तो इसका अगर विलयन को तनुकरण करते हैं या फिर इसको जो है सांद्रता है उसको क्या करते जाते हैं कम करते जाते हैं। यहां पर सांद्रता अधिक है सांद्रता को क्या करते जाएंगे कम करते जाएंगे तो चालकता क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्यों सांद्रता जितनी अधिक होती है चालकता उतनी क्या होती है कम होती है। अब सांद्रता को अपन क्या करेंगे कम करेंगे तो चालकता क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी क्यों क्या बढ़ जाएगी वियोजन या आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों सांद्रता को अपन क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा वियोजन की या आयनन की मात्रा यानी कि वो आयनित होने लगेगा आयनों में टूट जाएगा तो आयनन की मात्रा बढ़ती है और फलस्वरूप आगे क्या होगा विलयन की जो है विरुद्धघटनी विलयन की चालकता भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो विलयन की सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित होती है विलयन की सांद्रता इसको किस प्रकार से प्रभावित करेगी सांद्रता जितनी अधिक होगी चालकता उतनी क्या होगी कम होगी और चालकता है आप सांद्रता को कम करेंगे तो चालकता क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी क्यों वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये यहाँ से पॉइंट आपको याद रखना है कि तनुता बढ़ाने पर जो चालकता है वो क्या हो जाती है आपकी बढ़ती जाती है और विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी चालकता उतनी ही क्या होगी कम होगी। अब लास्ट पॉइंट है आपका अगला जो पॉइंट है वो है आपका विलायक की प्रकृति एवं श्यानता, विलायक की प्रकृति एवं श्यानता। श्यानता किसे कहा जाता है 11th क्लास में आपका आया द्रवों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो क्या है आपकी एक प्रकार से जो श्यानता कहलाती है। तो अपन जानते हैं विलायक की प्रकृति, अब विलायक की प्रकृति में क्या होते हैं जो द्रव के आपके अणु होते हैं उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती है यानी कि उनके अणुओं के बीच में आपस में ही आंतरिक रूप से जो क्रियाएं होती है अन्योन्य क्रियाओं के कारण जो विलायक की प्रकृति है अगर इसकी श्यानता है आपकी अधिक होगी। शांता क्या होगी अगर विलयन है उसकी शांता अधिक होगी तो शांता अधिक होने के कारण अपन जानते हैं द्रव्य का प्रवाह क्या होगा कम होगा और द्रव्य का प्रवाह कम होगा तो आयन भी क्या करेंगे कम गति करेंगे और आयन कम गति करेंगे तो चालकता भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है कि शांता अधिक होगी तो आपकी चालकता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, चालकता क्या होगी कम होगी। अगर श्यानता अधिक होती है तो आपकी चालकता है वो आपकी क्या हो जाती है कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है कि श्यानता के कारण क्या होगा द्रव्य का प्रवाह कम होता है या विलयन का प्रवाह है वो आपका कम हो पाएगा और कम होने के कारण है आयन है वो बहुत कम गति करेंगे और आयनों की गति कम होगी। आयनों की गति अपन ने देखा था आयनों की गति अधिक थी तो क्या हो गया था आपकी चालकता बढ़ गई थी लेकिन श्यानता अधिक होगी तो आयनों की गति क्या होगी कम होगी और आयनों की गति कम होने के कारण चालकता है वो आपकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो चालकता क्या होगी कम होगी। तो ये था आपका विद्युत अवघटनी विलयनों के बारे में जो है इनकी प्रभावित करने वाले कारक। दोबारा से इनको देखते हैं सबसे पहले आते हैं ताप। तो देखो ताप किस प्रकार से प्रभावित करेगा तो ताप के लिए अगर मैं लेता हूं तो अपन जानते हैं ताप देने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आयन क्या करेंगे गति करेंगे और आयन गति करेंगे तो क्या हो जाएगी चालकता है वो क्या हो जाती है आपकी बढ़ जाती है। फिर तनुकरण, तनुकरण करने से क्या बढ़ती है चालकता है वो आपकी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि आपके आयनों के मध्य आकर्षण बल है वो कम हो जाता है और आयन के मध्य आकर्षण बल कम होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएंगे यानी कि दूर दूर जाएंगे यानी कि गति करेंगे और गति करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी गति करने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने से आयनों की गति बढ़ेगी फलस्वरूप क्या हो जाएगी चालकता है वो भी बढ़ जाएगी। अगला जो प्रकार है विलयन की सांद्रता, सांद्रता जितनी अधिक होगी चालकता उतनी ही
क्या होगी, कम होगी। सांद्रता को कम करेंगे, चालकता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर है आपकी विलायक की प्रकृति एवं श्यानता, तो श्यानता जितनी अधिक होगी चालकता उतनी ही क्या होगी आपकी कम होगी। तो ये आपका जो है विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाला कारक है वो आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपन जो एक छोटा सा जो आपकी टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करते हैं विस्तार से बारे में, उसके नेक्स्ट वीडियो में उसमें अध्ययन करेंगे। जो अपना अगला जो प्रकार है वो आपका हेडिंग है आपकी विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालक के आधार पर अपन क्या बनाएंगे, विद्युत अपघटनी सेल है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे इसकी परिभाषा। तो विद्युत अपघटनी सेल है उसकी परिभाषा क्या होगी, हेडिंग है अपनी विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, तो विद्युत अपघटनी सेल कैसे कहते हैं, तो ऐसा सेल जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो इस प्रकार का सेल जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित किया जाता है, तो वो सेल आपका किस प्रकार का सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनी। यानी कि ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। यानी कि इसके उदाहरण अपने कम ही देखे हैं, यानी कि पहले अपने को क्या देनी पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा है वो देनी पड़ेगी, और विद्युत ऊर्जा अपन उस विलयन में देंगे तो उस विद्युत ऊर्जा देने से उसमें क्या उत्पन्न होगी, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार का जो सेल होगा वो क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल है वो कहलाता है। इसके उदाहरण है जनरली अपने दैनिक जीवन में अपन कम जो है आप यूज ले पाते हैं, इसकी वजह से आपको इसके जो है दूसरा आपका सेल है डेनियल सेल वगैरह वोल्टी सेल, उसको अपन दैनिक जीवन में बैटरी वगैरह उनको अपन यूज में लेते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है यानी कि अपन विद्युत ऊर्जा देंगे और ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में आपका बदल देगा। तो उस प्रकार से जो है आपका सेल होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत जो है अपघटनी सेल। अब इसका मतलब विद्युत अपघटनी सेल है तो अपने को रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा अपने को देनी होगी किसी रसायन में देंगे विद्युत ऊर्जा, तभी वो किस में बदलेगी, रासायनिक ऊर्जा। और रसायन अपन कौन सा लेते हैं, विद्युत अपघटीय विलयन लेते हैं, यानी कि विद्युत अपघटीय विलयन। तो अपन क्या करते हैं, किसी विद्युत अपघटे को क्या करते हैं, कोई सा भी आपका विद्युत अपघटे ले लो उसमें अपन क्या करते हैं, जो है आपकी विद्युत अपघटे लेकर के, यानी कि अपन कोई एक पात्र लेते हैं उस पात्र में अपन क्या करते हैं, विद्युत अपघटे भर देते हैं, और उस विद्युत अपघटे का जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में अपन क्या प्रभावित कराते हैं, विद्युत धारा। तो वो विद्युत धारा है यानी कि वो विद्युत ऊर्जा है उस जलीय विलयन में। यानी कि सपोज ये मेरे पास में इस प्रकार से कोई पात्र है, इस पात्र में ये जो आपका जलीय विलयन ले रखा है और इसमें मैंने क्या मिला दिया आपका NaCl। अब NaCl आपका क्या है, किसका उदाहरण हो गया, प्रबल विद्युत अपघटे का। NaCl का क्या ले लिया, जलीय विलयन, ये NaCl है, इस NaCl का ये क्या ले लिया, जलीय विलयन ले लिया। तो क्या करते हैं कि एक अपना विद्युत अपघटीय के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो ये विद्युत ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, कैसे, तो ये NaCl का जो अपने NaCl क्या है, प्रबल विद्युत अपघटीय है। अब NaCl यानी कि प्रबल विद्युत अपघटीय का जलीय विलयन है अपन इस प्रकार से लेते हैं तो वो आपका क्या होगा, अपन जानते हैं ये आयनों में टूटेगा, कैसे, Na+ और Cl नेगेटिव आयनों में टूटेगा। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए अपन क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड इस प्रकार से ले लेते हैं। अब इन इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं अपन बैटरी की सहायता से, एक वायर की सहायता से अपन इस प्रकार से जो है बैटरी है उस बैटरी से इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इस प्रकार से बैटरी से जोड़ देते हैं। तो देखो क्या हुआ, अपन ने क्या डाली, अपन ने क्या लगाई, विद्युत ऊर्जा, वो विद्युत ऊर्जा है इस केमिकल इस NaCl के जलीय विलयन में प्रवाहित कराएंगे तो ये विद्युत ऊर्जा से क्या किसमें बदल जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो आपका सेल होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटनी सेल। अब इसके बारे में पूरा विस्तार से जो अपन अध्ययन है
डायग्राम से पूरे विस्तार से डायग्राम अच्छे से उदाहरण और इसका जो है एक अच्छा जो है एग्जांपल ले लेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो उनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जो आपको विद्युत अवघटनी सेल प्रबल विद्युत अवघटे और दुर्बल विद्युत अवघटे है ये परिभाषाएं हैं और थ्योरी क्यों थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको साथ साथ में आप पढ़ोगे रिविजन करोगे तभी याद रहेगा, अन्यथा क्या होगा जो चीजें पीछे पढ़ रहे हो वो बोलते जाओगे और आगे वाली चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो साथ साथ में रिविजन है आपको जरूर करते हुए रहना है, बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।